क्या नजीब की मां भारत माता नहीं है? क्या रोहित बेमुला की मां भारत माता नहीं है? क्या जुनैद और पहलू की मां भारत माता नहीं है? और मंदसौर में जिन किसान के बच्चों को मार दिया गया उनकी मां भारत माता नहीं है? यह हिंसा प्रतीकों के नाम पे, भगवा रंग के नाम पे, गाय के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, क्या जानते हो हिंदू धर्म के बारे में तुम? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का नाम लेते हो तुम राम का, तुमने ठीक से राम को भी नहीं पढ़ा है। तुम राजपाट के लिए कुछ भी कुकर्म करने को तैयार हो, और भगवान राम ने अपने भाई के लिए, सौतेले भाई के लिए राजपाट छोड़ करके 14 साल के वनवास में चले। राजपाट हासिल करने के लिए राम का नाम लेना, ये राम को बदनाम करने वाली बात है। और ये राम के हैं भी नहीं, जो राथू राम के होंगे वो राम के क्या होंगे? जो नाथू राम के होंगे वो भगवान राम के हो ही नहीं सकते। और इसीलिए आज जब इनको अपना इतिहास, अपनी पोल पट्टी खुलती हुई दिख रही है, तो ये राष्ट्र का नाम लेने लगे हैं और ये देशभक्ति की बात करने लगे हैं। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि सुन लो, भक्ति तो हम भगवान की करते हैं, भक्ति माँ बाप की करते हैं, भक्ति जो हमको ज्ञान देते हैं उस ज्ञानदाता की करते हैं, और भक्ति जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं उस अन्नदाता को करते हैं, भक्ति हमको जो कन्या देती है उस कन्यादाता को करते हैं। यह भक्ति की परंपरा है। तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? मोदी जी की? कौन से अवतार हैं? कौन से अवतार हैं और क्यों उनकी भक्ति कर रहे हैं? देश जो है वो प्यार करने की चीज है, और प्यार और भक्ति में एक बात समझ लीजिएगा, भक्ति में हमेशा ऊंच नीच होती है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। देश और देशवासी के बीच में ऊंच नीच का संबंध नहीं होता है, बराबरी का संबंध होता है। इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा देशभक्त की बजाय देश प्रेमी कहलाना पसंद करता हूं, क्योंकि प्रेम हमेशा बराबरी की बुनियाद पर खड़ी होती है। और हमारी जो देश की संकल्पना है उसमें यही बात कहा गया है कि देश देश के लोगों से बनता है। और जब देशभक्ति का विमर्श इस देश में है, और जब हम इस बात को संविधान से मानते हैं कि देश देश के लोगों से बनता है, तो जब देश के लोग मर रहे हैं ठीक उसी वक्त राष्ट्रवाद का बहस क्यों खड़ा किया गया है? क्योंकि ना इनको देश में भरोसा है ना देश के लोगों में भरोसा है, इनको सिर्फ और सिर्फ पीएमओ की गद्दी में भरोसा है। इसीलिए इस पूरे बहस को, विमर्श को भटकाने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल पूछा जाए इनसे ही किसी भी मसले को लेकर के, अभी पिछले 1-1.5 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पे एक खुले विमर्श की जरूरत है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं खुद से ही। मुझे देशद्रोही कहा गया, और इत्तेफाक देखिए इस देश का, कि इस देश का जो कॉमेडियन है वो जर्नलिस्ट बन गया है, और जो जर्नलिस्ट है वो कॉमेडी कर रहे हैं। आज के अखबार के न्यूज को मैं पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं मोदी जी की तरह रिलायंस को पॉपुलर नहीं करना चाहता हूं। उस अखबार में लिखा कि कन्हैया कुमार जो अफजल गुरु का बरसी मना करके प्रसिद्ध हो गया। अरे भाई, हम तो नहीं मनाए अफजल की बरसी, तुम तो हर साल गोडसे की बरसी मनाते हो, फिर भी क्यों नहीं प्रसिद्ध हो? इसका मतलब तुम मानते हो कि अफजल गुरु जो है ज्यादा ताकतवर आतंकवादी है गोडसे की तुलना में? ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब ये है कि अखबार लोगों को सूचना देने के लिए नहीं है, वो अखबार जिसमें यह न्यूज छपा है वो लोगों को गुमराह करने के लिए है। और ये गुमराह क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उनसे मैं पूछना चाहता हूं। क्या आप वहां मौजूद थे जब मैंने अफजल की बरसी मनाई? और अगर आप मौजूद थे वहां, वो पत्रकार साहब, तो उसी वक्त मुझे पकड़ करके पुलिस को क्यों नहीं हवाले किया? और पुलिस तो पकड़ करके ले गई,
गृह मंत्री जी के ट्वीट करने के बाद आजकल देश तो ट्विटर से ही बदल रहा है ना। तो जब पुलिस पकड़ करके ले गई और पुलिस ने मेरे बाप का कसम नहीं खाया है, इस देश के संविधान का कसम खाया है और मैं रिश्तेदार भी नहीं हूं, तो पुलिस ने मुझे क्यों छोड़ दिया? कोर्ट ने ऐसे तो जमानत नहीं दी होगी, यहां कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, कोई भी पुलिस वाला मिले तो उसको पूछिएगा कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, माथुर साहब बहुत बड़े वकील हैं, कि जमानत ऐसे नहीं दी जाती है, पुलिस से पूछा जाता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या चार्जेज हैं, फिर सबूत मांगा जाता है और पुलिस जब सबूत नहीं देती है तब जमानत दिया जाता है। और एक बात और जान लीजिए, मुझे जिस एक्ट में बंद किया गया है, जिस प्रोविजन में, वो नॉन अवेलेबल है, गैर जमानती है, जिसमें जमानत नहीं दिया जाता है। अब बताइए, हम जमानत लेकर के रोज मोदी जी का मुंह चिढ़ा रहे हैं, अगर इनके पास सबूत होता कि ये मुझे वापस जेल में नहीं डाल देते, अगर मैंने सच में बरसी मनाई होती तो ये मुझे छोड़ देते। अरे बेकसूर जुनैद को मार देते हैं इनके लोग, कन्हैया कुमार को कैसे छोड़ देते हैं? असल बात क्या है? असल बात यह है कि चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस के पास कुछ है ही नहीं, और इतना महत्वपूर्ण मसला है जिस पर इतनी एनर्जी खर्च की जा रही है, मैंने 500 रुपए देकर के इनको लाया गया होगा प्रोटेस्ट करने के लिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात, इतनी एनर्जी, इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं किसी की आवाज को दबाने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो पुलिस ने अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया? मैं अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे रहा हूं, इनकी जो इनका जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा है, मैं उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि हमने क्या गुनाह किया है, हमने गुनाह किया है इस देश में सच बोलने का, और ये गुनाह मैं बार बार करूंगा, आपको जो करना है। लेकिन आप जो हमारा गुनाह तय करना चाहते हैं, कुछ सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए कि चार्जशीट क्यों नहीं है। और दूसरी बात कि अगर मान लिया जाए कि नारेबाजी हुई एक मिनट के लिए, तो क्या देश मोदी जी के गुजरात का ढोकला है कि कोई भी चम्मच लेकर के आएगा और उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा? देश क्या है? देश आपके घर में बनने वाला हलवा है जिसको आप जागरण का प्रसाद बना करके बांटते हैं कि जिसको मन किया उसको एक चम्मच दे देंगे? देश एक दिन में नहीं बनता है, और देश को कोई नारा लगा करके तोड़ भी नहीं सकता है। ये जो पूरा का पूरा सवाल है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब जेएनयू का मसला आया तब इस देश में एक आंदोलन चल रहा था, और वो आंदोलन था जस्टिस फॉर रोहित पेमुला का। उस पूरे के पूरे डिस्कोर्स को खत्म करने की कोशिश की गई। उससे पहले एक आंदोलन चल रहा था कि इस देश के गरीब विद्यार्थियों को, जिसमें अपर कास्ट तथा कथित लोअर कास्ट, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, उनको वजीफा दिया जाए, सभी तरह के लिंग के लोगों को वजीफा दिया जाए, यह आंदोलन चल रहा था। और जब आंदोलन चलता है तो कुर्सी हिलती है, और जब कुर्सी हिलती है तो फिर सवाल को भटकाना जरूरी हो जाता है, और नारेबाजी हो गई जेएनयू में अचानक से, आनंद फानंद में इस देश का प्राइम टाइम राष्ट्रवाद पर बहस करने लगा। वो प्राइम टाइम कहां चला जाता है जब इस देश के अंदर 12,000 किसान प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं? वो प्राइम टाइम कहां चला जाता है जब इस देश के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलता है? जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे कर्मचारी, उनको पता होगा कि 7th पे कमीशन आया है, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वेतन आयोग आने के बाद वेतन बढ़ा नहीं है, वेतन घट गया है। ये अद्भुत सरकार है, अद्भुत। अद्भुत इसलिए है कि अपनी बेईमानी भी अपना कारनामा बता करके बेच देती है, अपनी नाकामी भी अपना कारनामा बना करके बेच देती है, नफरत को भी देश प्रेम के नाम पे बेच देती है। और उस पूरे के पूरे विमर्श को ऑक्यूपाई यूजीसी के और रोहित विमुला के विमर्श को भटकाने की कोशिश की गई, और अचानक से नारेबाजी हो गई, प्राइम टाइम चलने लगा,
और प्राइम टाइम के बाद जो है कुछ लोग गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद छूट गए, उसके बाद क्या क्या हुआ ये देश को नहीं पता है। देश को सिर्फ इतना पता है कि जेएनयू में नारेबाजी हुई, ठोक के कहते हैं कि जेएनयू में नारेबाजी होती है, रोज बरोज होती है, और तब तो खूब होती है जब इस देश में किसी दलित को मारा जाता है, तब तो खूब होती है जब किसी पिछड़े को मारा जाता है, किसी अल्पसंख्यक को मारा जाता है, तब तो खूब होती है जब किसी महिला के साथ छेड़खानी होता है, बलात्कार होता है, किसी तरह का अत्याचार होता है। हम जम के नारेबाजी करते हैं जब किसान आत्महत्या का मसला आता है, हम खूब लड़ते हैं जब हमारे शिक्षा को बेचने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम देश तोड़ने का नारेबाजी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि देश तोड़ने का काम तो देश के जो हुक्मरान है वो संसद में बैठ करके कर रहे हैं, इसलिए देश को बचाने की जरूरत है। इस देश के अंदर जो एक साजिश चल रही है उसको समझने की जरूरत है, और उसको हम समझें तो फिर जो ये हुआ है उसको हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये व्हाट्सएप पे मैसेज फैलाए कि मुंह काला कर देंगे, कर दो, वैसे भी हम लोग काले ही हैं, काले हैं लेकिन बहुत दिलवाले हैं, इसलिए काला करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी उस काली टोपी का सच पता है कि वो तुम कहां से लाए हो, तुम कहां से पहन करके वो लाए हो उसका सच हमको मालूम है। ये कहते हैं भारतीय संस्कृति, कौन सी भारतीय संस्कृति में हाफ पैंट पहनना जरूरी होता है? भारतीय संस्कृति में अगर मुसलमान है तो कुर्ता पजामा पहनेगा, हिंदू है तो धोती कुर्ता पहनेगा, मॉडर्न हिंदू और मुसलमान है तो जींस और पैंट पहनेगा, हाफ पैंट पहन करके ऊपर में व्हाइट शर्ट लगा करके काली टोपी कौन लगा लेता है? और ये कौन सी भारतीय संस्कृति है? ये जो सच हम जानते हैं इस सच से ये घबराते हैं, इसीलिए ये झूठ फैलाते हैं। मैं माथुर साहब के घर पे था, इन्होंने बताया कि इनको सीमी का कार्यकर्ता कहा गया है। बोले अच्छा, शुक्र है कि सीमी कहा आपको, लश्करे तैयबा नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो शायद मालूम भी नहीं हो कि ये झिमी झिमी सीमी सीमी क्या होता है। इनको सब मालूम है इंडियन मुजाहिदीन कहाँ है, लश्करे तैयबा कहाँ है, क्योंकि इनका धंधा यही है, इनका धंधा यही है, यही करते हैं, इनको सब मालूम है। अब आप लोग विचार कीजिए कि ये इंसान जब 17 वर्ष के नहीं थे तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, आजादी के आंदोलन करने वाले, और आज 2017 में फिर से इनको उनसे लड़ना पड़ रहा है जो अंग्रेजों के साथ चाय पी रहे थे। तो बताइए इनको सीमी का कार्यकर्ता कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? इनको तो कहा जाएगा कि ये लोग देश विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी देश की परिभाषा नागपुर के संघ कार्यालय के बाउंड्री पे खत्म हो जाता है, उससे आगे इनका देश चलता नहीं है, उससे आगे ये देश के बारे में सोच नहीं पाते हैं। हमारे देश की शुरुआत कश्मीर से तो होती ही होती है, वो कन्याकुमारी तक जाकर नहीं रुकती है। इस देश के अंदर जितने भी तरीके के इंसान हैं उनकी शांति और बराबरी तक जाकर के खत्म होती है, इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तुमको क्या मालूम है इस देश की संस्कृति के बारे में, और तुमको मालूम भी कैसे हो सकता है? कहते हैं लोग कि कोई सोया हो तो जगाया जा सकता है, और जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको, ये भक्त नहीं है, हर कोई अपने जुगाड़ में लगा हुआ है। मैं इस बात की तफसीस से मैं आपको बोल रहा हूं कि बीजेपी का कोई भी मंत्री संतरी नहीं बोला कि कन्हैया कुमार के मुंह पे कालिक पोथेंगे, तो बुलवाया किससे? अपने छर्रों से, गुर्गों से। तुम भी बोलो ना सीधे सीधे, देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पूरी पुलिस है, फौज है तुम्हारे पास, टैंक चलवा दो ना, गोली मरवा दो रोड पे चौराहा पे खड़ा करा करके। ये क्यों करते हो? अपने छर्रों से क्यों बुलवाते हो? जनवरी फरवरी से ये इसलिए बुलवाते हो कि ये जनवरी फरवरी भी लीडर हो जाए,